Hello students, I am your math teacher. Today we will discuss about class 10 NCERT lesson triangle. This is part 17 video. Okay. In this video, we will discuss about एग्जाम्पल सिक्स. सो एग्जाम्पल सिक्स में क्या देख रहे हैं, इन फिगर ओ ए डॉट ओ बी, दैट मीन्स मल्टीप्लाई ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. मतलब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल ए एंगल सी को इक्वल है एंड एंगल बी एंगल डी को, या एंगल बी एंगल डी को इक्वल है, हमें प्रूफ करके बताना है. ओके, सो यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल्स हो गए. यहाँ पर ये ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल्स हो गए. तो यही दो ट्राइंगल्स में हमें जो गिवन में कंडीशन देख रहे वो कंडीशन फॉलो करके हमें प्रूफ करके बताना है. ओके, सो क्या होगा सोल्यूशन इसका, सोल्यूशन में देखते हैं. चलो क्या आपके दो ट्राइंगल्स देख रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी आर बी ओ सी. ओके, सो क्या होगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी. ओके, वी हैव यहां पर हमें गिवन क्या देख रहे हैं, ये गिवन देख रहे हैं ओ ए डॉट ओ बी. ओके, गिवन क्या देख रहे हैं, ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओडी, ये हमें गिवन देख रहे. ओके, अब देखो यही कंडीशन में फॉलो करके हम इसको क्या इसके साइड प्रोपोर्शनल बना सकते. अब यहाँ पर देखो क्या करना होगा हमें, ये दो ट्रायंगल्स हैं तो एओ की साइड किससे प्रोपोर्शनल होगी, ए सी को, मतलब ये साइड एओ ओ सी को प्रोपोर्शनल होगी. ये दो ट्रायंगल्स हैं तो यहाँ पर देन ये ओबी साइड किसको, ओडी को प्रोपोर्शनल होगी. तो इसी यही कंडीशन देकर हम फॉलो, मतलब यहाँ पर देखो ये ओई किसके डिनोमिनेटर में आएगा, ओए के डिनोमिनेटर में आएगा, और ये ओबी किसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ओडी के डिनोमिनेटर में चले जाएगा. सो क्या होगा यहाँ पर, ओए बाय, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओडी बाय ओडी बाय ओबी. ओके, अब हमने ये आप सोच रहे होंगे कि ये ओडी ये ओसी ओए के नीचे क्यों लाए हैं, ये ओडी भी ला सकते हैं, बट यहाँ पर एक ही ट्रायंगल की साइड हम प्रोपोर्शनल है, दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करके इसकी साइड हमें प्रोपोर्शनल दिखाना होता है. ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पर ओए बाय ओसी, यहाँ पर ये ओए बाय ओसी मिल गया है, एओ बाय, यहाँ पर देखो एओ बाय ओसी, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल, देन अगेन क्या मिला है, ओडी बाय ओबी मिला है. ओके, ये दो साइड समय, ये साइड इससे प्रोपोर्शनल, ये साइड इससे प्रोपोर्शनल. अब देखो ये दो ट्रायंगल्स में ये एंगल से एक एंगल से एक एंगल से, इसको मैं नाम देता हूं एंगल वन और एंगल टू. यहाँ पर देखो ये एंगल वन और एंगल टू कैसे एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से. इट मीन क्या होगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर अब ये दो सपोज में इसको इक्वेशन वन दे देता, नाउ हमें क्या होगा, इन ट्रायंगल एओबी में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल जाएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. ओके, इसको टू इक्वेशन दे देता. अब यहाँ पर देखो जब हमें यहाँ पर देखो एओ साइड ओसी को प्रोपोर्शनल है, एंगल वन एंगल टू को इक्वल है, देन ओडी साइड क्या है यहाँ पर, ओबी को प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, बाय साइड एंगल साइड बाय ए से ए से सिर्फ ये ट्राइंगल ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सिमिलर मिल जाएगा. सो क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ सी. ओके, रीजन क्या रहेगा, सिंस बाय यहाँ पर साइड एंगल साइड बाय एस ए एस क्राइटेरिया, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से ये
ट्रायंगल्स इक्वल मिल जाएगा। अब देखो जब दो ट्रायंगल्स क्या रहेंगे सिमिलर रहेंगे तो उसके एंगल्स भी आल्सो क्या रहेंगे इक्वल। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो क्या होगा इफ यहाँ पर रीजन लिख लेता है यहाँ पर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if two triangles are similar their corresponding angles are equal their corresponding angles are equal their corresponding angles jab two triangles similar rahenge uske corresponding angles are equal so yahan par angle a is equal to angle c milega और यहाँ पर एंगल D इक्वल टू एंगल B मिलेगा जो हमें प्रूव करना था। ओके सो देयरफॉर क्या होगा देयरफॉर एंगल A इक्वल टू हमें क्या मिलेगा एंगल C मिलेगा एंड यहाँ पर नेक्स्ट एंगल D इक्वल टू हमें क्या मिलेगा एंगल B मिलेगा। ओके एंगल वन एंड एंगल टू ऑलरेडी हमें गिवन में ही देख रहे हैं मतलब सॉरी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो यहाँ पर हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इन नेक्स्ट वीडियो।